आज मेरे पास जिस प्रकार से हर बाजार से आज 3 दिन से डेपुटेशन आ गए हैं और फोन पे फोन मेरे साथ। आज अभी हमारे साथ राजेश रैना जी हैं जो हरी मार्केट जो बस स्टैंड के साथ पड़ती है उसके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जी हैं राजेश वर्मा जी हैं जो ऊपर धोंदली बाजार के एरिया के जो ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे साथ भारत भूषण जी हैं जो नीचे गुम्मट हमारा पड़ता है उसके जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट। इसके अलावा भी इतना डेपुटेशन एक के बाद एक बिजनेसमैन्स के आ रहे हैं शॉपकीपर्स के आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि ट्रैफिक क्राइसिस के बाद अब जो जम्मू सिटी है वो जम्मू ट्रैफिक वालों ने रॉक कर दिया है। दुकानदार के बाहर कोई स्कूटर खड़ा करना या किसी गाड़ी को खड़ा करना और उस गाड़ी को लिफ्ट कर लेना उसी वक्त लिफ्ट कर लेना। मैं ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की ये पुराना शहर है कोविड की मार सहने के बाद आज जो दुकानदार भाई हैं जो एक अनाज दाने के लिए तरस रहे हैं। पुलिस की इतनी मार पड़ रही है इस शहर के अंदर एक से एक ट्रैफिक का पुलिस का अधिकारी ट्रैफिक नियम सीधे करने के बजाय किस प्रकार से 2,000 5,000 का चालान किया जाए। भूखे मर रहे हैं यहाँ के दुकानदार कभी उनके पेट तो टटोल के देखो। अब जिसके पेट से कमीज उठाएंगे वही आपको रोता हुआ मिलेगा। एक वहां पे इनको सूद की मार ऊपर से किश्तों की मार ऊपर से जो सर्दी का माल था अंदर करोड़ों रुपए का डंप हो चुका है। अब गर्मी आ चुकी है क्या कारण है आप लोग जोन तो बताएं इन लोगों को जिस जोन के अंदर ये लोग घर से आए अपना स्कूटर गाड़ी खड़ी करें। कोई जोन है नहीं यहाँ पे कोई आप डिमार्केशन कर नहीं रहे किसी दुकानदार किसी एसोसिएशन। सुबह आकर आप लोगों ने इनको धमकाना और सीटी मार मार कर या चालान काट काट के डराना कि कहां की इंसानियत है। तभी मैं कह रहा हूं पहले कोविड की मार अब दूसरा रॉक ट्रैफिक की मार करना चाहता हूं अधिकारियों से और एलजी से भी जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल एलजी हैं। आप कोई नियम कायदे को सख्ती से अगर लाना चाहते हैं यहाँ पे पर पहले तो ये तो देख लो 4 महीने में इन दुकानदारों का क्या हाल है। पहले लॉट्स बताएं हमें कहां हमने ट्रैफिक लगानी है। अगर कोई पुरानी मंडी कोई व्यक्ति आ जाता है लिंक रोड आ जाता है जैन बाजार आ जाता है दोंतली बाजार आ जाता है कोई अगर व्यापारी लगदत्ता बाजार में कोई व्यापारी आ जाता है राज तिलक रोड में कोई व्यापारी आ जाता है तो उनको लॉट तो बताओ कहां पे वो व्यापारी अपना स्कूटर खड़ा करके आए। अगर कोई सामान लेने आता है वो किसी दुकानदार के अंदर 200-400 का सामान खरीदने जाता है तो पीछे 2,000 का फटका उसको दे दिया जाता है। जम्मू शहर इतना अमीरों का शहर नहीं गरीबों का शहर है। डोगरे गरीब है यहाँ के अमीर नहीं है। आगे कश्मीरी हुक्मरानों की इनको मार पड़ी और अब आप लोग मैं गुजारिश करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से मत ऐसा काम करें। हम लाखों मानने वाले लोग हैं यहाँ के। इतना बड़ा टेररिज्म हुआ यहाँ पे इतनी बड़ी आतंकवाद घटना हुई यहाँ पे पर जम्मू के डोगरे लॉ अबाइडिंग रहे उन्होंने कभी भी लॉ को अपने हाथ में नहीं लिया। पर कभी जब आप उनके पेट के ऊपर टांग मारेंगे 3 महीने वो भूखे वैसे घर पे सोए हैं उसके बाद क्या हालात जम्मू शहर के बनेंगे। मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के हॉनरेबल एलजी साहब को ये वार्न करना चाहता हूं मत कभी ऐसी स्थिति पैदा करें या इनको कोई स्थान दें जहां पे जाकर ये लोग अपनी व्हीकल खड़ी करें। और दूसरा वहां वही लूटने के लिए क्या आपने जो बस स्टैंड की पार्किंग बना के रखी हुई है जो तैयार पड़ी है झंडी फीती बाद में काट लेना उसकी अभी वहां गाड़ी खड़ी करनी शुरू कर दो करनी।